तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, वीडियो पूरा जरूर देखना। एक एक पॉइंट इस बिजनेस में मैं लेके आया हूँ और किस तरीके से इस बिजनेस को करना है और इस बिजनेस में कितना लागत लगने वाली है, सब चीज मैं आप अपने वीडियो में बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फर्नीचर बनाने का बिजनेस। फर्नीचर का इस्तेमाल घर की साज सज्जा और घर को एक नया रूप देने के लिए किया जाता है। इस बिजनेस की मार्केट में अधिक डिमांड है, लोग कई तरह के फर्नीचर डिजाइन करवाते हैं। ऐसे में यदि आप फर्नीचर बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें भी आप काफी कमाई कर सकते हैं। बता दें कि इस बिजनेस में वो व्यक्ति ज्यादा मुनाफा कमा सकता है जो स्वयं कारपेंटर हो। इसके अलावा यदि आप फर्नीचर का बिजनेस करना चाहते हैं और आपको फर्नीचर बनाना नहीं आता है तो आप कारीगरों को काम पर रखकर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस के जरिए आप हर महीने 50 से 55 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं। मसाले पाउडर का बिजनेस। भारतीय खाने में मसाला सबसे उपयोगी सामग्री है। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले का उपयोग किया जाता है। भारत के ज्यादातर घरों में एक से अधिक मसाले का मिलना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय मसालों की मांग घरेलू बाजार में होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसकी अधिक डिमांड है। आप चाहे तो किसानों से कच्चा माल लेकर उन्हें पीस कर खुद का ब्रांड भी बाजार में शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने से आप इस बिजनेस में अधिक लाभ कमा पाएंगे, साथ ही आपको इसमें ज्यादा निवेश करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मसाले तैयार करने के लिए आपको कच्चा माल ग्रामीण इलाकों से सस्ती दरों में मिल जाएगा। मसाले का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हर महीने 20 से 30 हजार रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। नमकीन बनाने का बिजनेस। हमारे देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो नमकीन का उत्पादन कर मार्केट में बेचकर इसे काफी मुनाफा कमा रही हैं। ऐसे में यदि आप भी नमकीन बनाने का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको अधिक निवेश की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप केवल 50 हजार रुपए से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नमकीन बनाने के लिए आपको नमक, मैदा, बेसन, मूंगफली के दाने, मसूर, तेल, मूंग की दाल, मसाले और पैकिंग हेतु पाउच जैसी चीजों की आवश्यकता होगी। इन चीजों के जरिए आप घर में ही नमकीन की मैन्युफैक्चरिंग कर मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। यदि आपके द्वारा बनाए गए नमकीन की गुणवत्ता अच्छी है और लोग इसे पसंद करते हैं तो आप इस बिजनेस के जरिए हर महीने 30 से 40 हजार रुपए की इनकम कर सकते हैं। पॉपकॉर्न तैयार करने का बिजनेस। पॉपकॉर्न तैयार करने का बिजनेस सबसे सरल और सबसे आसान बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अधिक निवेश की जरूरत नहीं होगी, आप इसकी शुरुआत 10 से 20 हजार रुपए में भी आराम से कर सकते हैं। पॉपकॉर्न तैयार करके उसकी अच्छी पैकिंग करके आप शहरों में इसे होलसेल में बेच सकते हैं। पॉपकॉर्न तैयार करने के लिए आपको कच्चा माल यानी कि मक्का आसानी से सस्ती दरों में ग्रामीण क्षेत्र से मिल जाएगा। पॉपकॉर्न की डिमांड 12 महीने रहती है। आप चाहें तो इसकी बिक्री के लिए सिनेमा घरों से भी संपर्क कर सकते हैं। यदि कमाई की बात करें तो इस बिजनेस में आप हर महीने 20 से 30 हजार रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्तों, वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना दोस्तों, लाइक बिल्कुल फ्री है, लाइक करके जाओगे उससे मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिलेगी। तो आप सभी से बस बार बार मैं एक ही चीज का रिक्वेस्ट करते रहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं इसी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा कॉन्टेक्ट हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, उससे आप बिजनेस कर सकते हो या आपके दोस्त यार कोई भी बिजनेस कर सकता है उसके पास आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसमें एक पैसे की लागत नहीं लगने वाली है, ये बिल्कुल फ्री है। आप इस तरीके से करके किसी का हेल्प कर सकते हो। तो चलो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे दो इजाजत। जय हिंद।